हेलो गाइस, वेलकम टू DDR व्लॉग। तो आज हमारा सलमान भाई काम करेगा अपनी। किसका भाई काम करना है? रेडिएटर का काम कर रहा है भाई। मिस्त्री बहुत बढ़िया है। दोबारा एक बार आ गए तो दोबारा आना पड़ेगा जरूर, ठीक है? ऐसा काम करता है बढ़िया से। तो गाइस, आपको हम दिखाते हैं कैसे काम चलता है। और ये मिस्त्री अभी का नहीं है, 10 साल पुराना मिस्त्री है ये अपना। और काम एकदम टचा टच करता है कि दोबारा आना पड़ेगा जरूर, ठीक है भाई? सलमान भाई अब हंस भी लो थोड़ा। स्माइली बड़ी प्यारी काट दी तुमने तो लगभग। भाई सलमान भाई अब थोड़ी देर में कुछ तोड़ेगा अंदर से, फिर बोलेगा बाबूजी ये तो वेल्डिंग थी पहले से। इसकी डायलॉग मेरे को पहले से पता भाई, जो जो कहता है। तो ऐसे ही काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है ये। ऐसा नहीं कि नकली काम करता, दोबारा आना पड़ेगा तुम्हें जरूर, ठीक है भाई? आना पड़ेगा ना। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी खुल रही है आज। और ये सलमान भाई गुटका तो थूक के बात कर लेते थोड़ा। हाँ जी भाई, गुटका लगा रखी है? गुटका तो थूक देते थोड़ा, ठीक है सी। सलमान भाई हुआ क्या था ये? अभी टैंक फट गया क्या इसका? किस वजह से हुआ ये? चेक करते हैं पहले। अच्छा, पहले कार्रवाई होगी इसकी है, फिर रिजल्ट दोगे। आप भी पक्के मिस्त्री हो भाई, चल उसके बाद बताओगे। चलो ठीक है। हाँ, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो क्या? चलो ले जाओ इसको काम। तो फ्रेंड्स फाइनली पता नहीं इसका टंकी टूटी है। टंकी ये रहा, आपको दिखाता हूँ, टंकी टूट चुकी है इसकी। तब इसको चेक करके आते हैं। देखो इसका चौक होगा तो इसमें दिक्कत हो सकती है। ये रही टंकी टूटी पड़ी है भाई इसकी। भाई लोगों को पता नहीं क्या शौक आ जाता है। देखो इसको, देखो ये गाड़ी कमाने के लिए लिया, पता नहीं डीजे बजाते घूमते रहता है ये लड़का। ऐसे 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 चुतंदर लोग आते रहते हैं हमारे पास। आगे हाँ बताओ भाई, पाइप लेके आऊंगा तो आवाज कम करते। वो भी पता नहीं कहाँ क्या चला के बैठा बैठा पै 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 पै। ब्लॉग बना रहा हूँ भाई इधर मैं। एक पाइप और एक रेडिएटर। सुजंदर कहाँ जा रहा है तू? तेरे को वायरल करके ही भेजूंगा मैं, देख लियो ये बात, ध्यान रख लियो। भाई आश्रम चौक की तरफ जा रहा है, हैं? आश्रम चौक की तरफ जा रहा है, मेरे छोड़ देगा? घूम के जाएगा ना, तो मेरे छोड़ दियो ना चौक पे, आ रहा हूँ। बैठा दिया भाई इसने, पूरा बॉल काट रहा है आराम से। रेडिएटर की टंकी चेंज हो रही है इसकी, और इसमें वेल्डिंग लग रहा है तीनों पंप से उसकी वेल्डिंग का। हम गाइस आ चुके हैं रेडिएटर ठीक करके।
ठीक है भाई। हाँ भाई अब तो ठीक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा बोल रहे हैं भाई ना। फिर लड़ाई किसकी चल रही? रेडिलेटर चौक हुई नहीं थी, बस पता नहीं कहीं से तार वीर घुमा पड़ा है कहीं से कुछ, तो उस कारण पाइप कहीं से घुमा पड़ा उस कारण कहीं से हीट हुई है। अभी गाड़ी देखते हैं, अभी चेक करते हैं भाई क्या कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा प्रेशर हो गया। अच्छा ये प्रेशर के कारण, ये पाइप के वजह से ये फट चुका था रेडिलेटर। तो दोस्तों कभी भी रेडिलेटर फट चुका है तो एक बात ये पाइप में भी ध्यान देना कि पाइप मेन चीज़ है जो कि पाइप प्रेशर को रोक देती है, तो प्रेशर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इस कारण वो गाड़ी हीट होती है। आधा घंटा कम से कम गाड़ी स्टार्ट रखेंगे, फिर पता चलेगा भाई कोई दिक्कत है कि नहीं है। कूलेंट मत डालना, पहले पानी से चेक करना एक घंटा के आसपास चला के, जो कि पाइप से कहीं लीक ना हो। सही बात है ना भाई, कूलेंट का पैसे बर्बाद ना हो। तो दोस्तों अभी चेक कर रहे हैं, एक आधा घंटा तक गाड़ी स्टार्ट में रहने दो, गाड़ी आधा घंटे तक स्टार्ट में रहेगी, फिर उसके बाद पता चलेगा भाई। क्या पता चलेगा भाई? गरम हो रहे, कहीं से पानी तो निकली है। हाँ गुटका थूप दिया लौंडे ने, गुटका थूप दिया ना। दुआ दुआ कर देंगे भाई। आधे घंटे तक स्टार्ट रखी थी भाई, इसीलिए एंजॉय कर रहे थे गाना सुन के। ट्राई ले रहे हैं भाई। भाई अभी तो ठीक चल रही है, तो अभी इसके कारण पूछते हैं क्या है, कारण क्या है भाई, कारण क्या है? कारण ये था, पाइप फटा हुआ था ना, जो हीटर का पाइप होता है वो फटा हुआ था, इसके चक्कर में सूखा पानी कर चला दी गाड़ी, इसीलिए वो टंकी फट गई। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये बोल नहीं पा रहा, गुटखा खा लिया इसने, चबा रहा, दर्द हो रहा, बोल रहा है मेरे को। तो कारण ये था कि जो पाइप था ना, जो पाइप ना वो फट गया था, तो पाइप फटने के कारण तो गैस नहीं जा पा रही थी, गैस पास नहीं हो रही थी, था ही नहीं इसके अंदर, तो सूखा चल रहा था, गर्म हो गया, तो मैं दोबारा पानी डाला तो वो काम गया, पाइप फटा था ना तो लीक हो गया। हाँ इसी से। अच्छा लीक हो गया। तो भाई साहब, भाई लोगों, सबको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी गाड़ी हीट हो रही है तो एक चांस पाइप में भी जाना, पाइप को चेक करना, पाइप कहीं से लीक तो नहीं है। तो बाकी तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चल रही है, चलो देखते हैं। अब नहीं चली तो कल दोबारा आएंगे, इससे मिलेंगे जरूर। नहीं नहीं चलेंगे। फाइनली हमने गाड़ी ठीक कर दी है, अभी गाड़ी ठीक चल रही है, तो अभी जा रहा हूँ बस घर, अब सोऊंगा और जाके भाई, अभी नाइट में ड्यूटी भी जानी है, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे करीब हो रही है भाई, जाऊंगा घर, उसके बाद देखते हैं क्या होगा।